उत्तर प्रदेश में कानून के डर का आलम यह है कि योगी कैबिनेट का शपथ ग्रहण भले ही 25 मार्च को हुआ हो, लेकिन अपराधियों ने 14 मार्च के बाद से ही सरेंडर करना शुरू कर दिया था। उन्हें डर था कि कहीं यूपी पुलिस पैर में गोली मारकर लंगड़ा ना कर दे। मिशन लंगड़ा का ऐसा खौफ इन दिनों यूपी में दिख रहा है कि योगी 2.0 में अब तक 100 से ज्यादा बदमाश खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर चुके हैं, और जो नहीं पहुंचे ऐसे 34 बदमाशों के घरों पर बाबा का बुलडोजर चल गया या फिर कुर्की करवा दी गई। इसमें मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपी इंस्पेक्टर का लखनऊ का मकान भी शामिल है। योगी सरकार ने 2022 का विधानसभा चुनाव लॉ एंड ऑर्डर पर भी लड़ा था। सीएम योगी ने तकरीबन अपनी हर रैली में माफिया के घरों पर बुलडोजर चलाने का जिक्र किया। वहीं सत्ता में वापसी के बाद से ही यूपी पुलिस ने मिशन लंगड़ा और तेज कर दिया है। बता दें कि यूपी में योगी की पिछली सरकार में तकरीबन 90 बदमाशों को मुठभेड़ में लंगड़ा कर दिया गया था। योगी सरकार 2.0 के आने के साथ ही हिस्ट्री शीटर, गैंगस्टरों और बदमाशों की सत्ता डगमगाने लगी है। बाबा की जीत के साथ ही अपराधियों की दौड़ थाने की ओर लगने लगी है। अपराधी या तो थाने में जाकर सरेंडर करने लगे हैं या फिर कोर्ट में सरेंडर कर जेल जा रहे हैं। अपराधियों को एनकाउंटर और बुलडोजर का डबल डर सताने लगा है। एनकाउंटर और बुलडोजर का खौफ अपराधियों के दिलों में इतना घर कर गया कि अपराधी अपने परिजनों से पहले थाने में सेटिंग कराते हैं, फिर उसके बाद परिजनों के साथ तख्ती लटकाकर माफीनामा लिखकर थाने पहुंचकर खुद को सरेंडर करते नजर आते हैं। इसमें खनन माफिया, दुष्कर्म आरोपी, नशा तस्कर या फिर दशकों से थाने के हिस्ट्री शीटर भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन।